हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम मैट दीक्षांत सेडुटेक। आज का ये हमारा पार्ट टू वाला वीडियो है और इसमें हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। जो एडिशन सब्ट्रैक्शन हमारा टॉपिक चल रहा था उसको कंटिन्यू करेंगे पार्ट टू में। पार्ट वन में क्या क्या पढ़ा है हमने, क्या क्या और आगे पढ़ेंगे, एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो पार्ट वन में हमने एडिशन सीखा था, 5 और 6 डिजिट नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी हमने किया था। ठीक है, तो आज का ये जो हमारा वीडियो का उसमें हम लोग कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, है ना, क्योंकि उसमें बहुत कम हमने वर्ड प्रॉब्लम्स किया था और उसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं आपके बुक में जो जिनको आपको समझना ज़रूरी है, आपको कोई दिक्कत ना हो इसके लिए मैंने उनको भी आज के इस वीडियो में कवर किया है। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन को समझेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन मतलब कि जो एडिशन है उनके क्या गुण हैं, जब हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो किस किस तरह से ऐड कर सकते हैं, या तीन नंबर्स को ऐड कर रहे हैं या उससे भी ज़्यादा नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो कैसे कैसे हम ऐड कर सकते हैं, इन सारी बातों को हम लोग इसमें समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन के अंदर। फिर हम लोग एस्टिमेट करना भी सीखेंगे, है ना। आपको याद होगा पिछली वीडियो में हम लोग राउंड ऑफ करना सीखे थे नंबर्स को, है ना। अब जब राउंड ऑफ करना सीख लिए हैं हम लोग तो फिर उसी के बेस पे हम लोग उसको एस्टिमेट करना भी सीखेंगे। ओके, तो यही बेसिकली हम लोग को यही दो टॉपिक्स कवर करना है, है ना, और ये जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स में कुछ और थोड़ा उसमें और आगे करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पिछला जो वीडियो था हमारा उसमें भी हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स किया था और आपको उसे अंदाजा लग गया हुआ कि कैसे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, है ना। सबसे पहले हम क्या करते थे कि उस जो भी दिया हुआ प्रॉब्लम है हमारा उसको एक बार अच्छे से रीड करते थे, समझते थे, उसके बाद ही हम लोग उसको सॉल्व करते थे। तो पहले आइए पढ़ते हैं। ए फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 12,575 iPods, ठीक है, ये हम लोग रीड करना सीखे हैं, ध्यान से रीड करिएगा, ये है 12,575 और ये iPods इन द फर्स्ट मंथ एंड 32,792 iPods इन द सेकेंड मंथ। मतलब कोई फैक्ट्री है जो प्रोड्यूस कर रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, आईपॉड्स कर रहा है। आईपॉड्स आप जानते हैं जैसे मोबाइल फ़ोन होता है उसी तरह एक डिजिटल डिवाइस है, है ना। तो ये कंपनी आईपॉड्स बनाती है जो पहले महीने में 12,575 मतलब 12,575 आईपॉड्स बना देती है पहले महीने में। अब दूसरे महीने में वो थोड़ा ज़्यादा बनाती है, 32,792 आईपॉड्स बनाती है ना। तो हमें बताना क्या है, हमें ये बताना है कि हाउ मेनी आईपॉड्स वेयर प्रोड्यूस्ड इन टू मंथ्स, मतलब ये दोनों महीने का मिलाकर कितना आईपॉड्स मैन्युफैक्चर हुआ है ये हमें बताना है। तो आप जानते हैं कि जब मिला देते हैं हम लोग, है ना, पुटिंग थिंग्स टुगेदर, तो उसको हम लोग एडिशन कहते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑब्वियसली हमें एडिशन करना है। तो चलिए एडिशन करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ स्टेटमेंट भी देना है, उस पर भी ध्यान देंगे आप। तो क्या है ये पहले हम लोग जो गिवन है, जो दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में, उसको पहले लिखेंगे। नंबर ऑफ आईपॉड्स, है ना, प्रोड्यूस्ड या मैन्युफैक्चर्ड दोनों लिख सकते हैं, क्वेश्चन में प्रोड्यूस्ड है तो प्रोड्यूस्ड ही लिखते हैं, इन फर्स्ट मंथ। ठीक है, अब सेकेंड मंथ का भी लिख देते हैं, ये जो भी हमने लिखा है स्टेटमेंट क्वेश्चन में जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग लिखा है ना, अपने तरफ से कुछ नहीं लिखा गया। अब हम लोग को ये जो एक्चुअल क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन हमारा बेसिकली यही है, ध्यान दीजिएगा, यही हमारा जो लास्ट लाइन है यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी आईपॉड्स वेयर प्रोड्यूस इन टू मंथ, दो महीने में कितने आईपॉड्स प्रोड्यूस हुए। तो अब हम लोग उसका आंसर करेंगे, नंबर ऑफ आईपॉड्स प्रोड्यूस्ड इन दीज टू मंथ्स,
तो इन दोनों नंबर्स को हम जोड़ देंगे। ये चीज़ हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि हम लोग को दोनों महीने का बताना है, मतलब दोनों महीने का मिलाकर हमको बताना है, तो मिलाने के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अब हम लोग प्लस करना तो जानते हैं, प्लस कर लेते हैं। 5 + 2 = 7, 7 + 9 = 16, 6 carry over 1, ये 13 हो जाएगा। अब प्लस करना आप जानते हैं, तो उसको आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन, राइट, है ना। तो दिस इज आवर आंसर, 45,367। यहाँ पे आंसर लिख देंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी पिछले जैसा ही है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन डिफरेंस है, समझ लेते हैं। एन ऑटो कंपनी सोल्ड, अब यहाँ पे एक ऑटो कंपनी है जो टू व्हीलर्स सोल्ड कर रही है ना, बेसिकली वो मैन्युफैक्चर नहीं कर रही, प्रोड्यूस नहीं कर रही, सोल्ड कर रही है। तो कितना सोल्ड की है इस कंपनी ने, तो 1,36,315 टू व्हीलर्स इन मार्च के महीने में, है ना, एंड 2,45,327 इन अप्रैल। यहाँ भी दो महीने का ही दिया है, मार्च और अप्रैल, और यहाँ भी हमें वही करना है, इन ऑल मतलब सबको मिला देंगे, तो हाउ मेनी टू व्हीलर्स डिड इट सेल इन दीज टू मंथ्स। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हुआ है, तो यहाँ भी हम लोग को प्लस ही करना है, तो ये आप खुद कर लेंगे, ठीक है। जैसे हमने पहले बताया था, इसके पहले वाला क्वेश्चन जैसे हम सॉल्व किए हैं, उसी के आधार पर आप कर लेंगे, खुद सॉल्व योरसेल्फ, खुद आप करें, है ना। क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। नंबर ऑफ टू व्हीलर्स सोल्ड इन मार्च इक्वल्स टू दिस नंबर, फिर सिमिलरली नंबर ऑफ टू व्हीलर सोल्ड इन अप्रैल एंड देन दिस नंबर, हेंस या थस टोटल नंबर ऑफ टू व्हीलर सोल्ड इन दिस टू मंथ्स इज इक्वल टू, फिर दोनों नंबर को प्लस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फिर देखिए यहाँ भी वही है, ए कंपनी सोल्ड 29,000 टेलीविजन, आई मीन 29,245 इन फर्स्ट ईयर। अब यहाँ पूरे साल की बात हो रही है ना, दिस मच टेलीविजन इन सेकेंड ईयर एंड इन थर्ड ईयर। अब यहाँ पे तीन डेटा दिया है हमारे पास, तीन साल का दिया है, हमें यहाँ भी वही करना है कि तीनों साल का टेकन टुगेदर, मतलब मिलाकर कितना टेलीविजन सेल हुआ है ये बताना है। तो बेसिकली यहाँ पे तीन नंबर्स हैं, मगर वही काम करना है, जोड़ना ही। तो इसको भी आप लोग खुद कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको हेल्प कर दे रहा हूँ। नंबर ऑफ टेलीविजन सोल्ड इन फर्स्ट ईयर, टीवी शॉर्ट में लिख देते हैं, सोल्ड इन फर्स्ट ईयर, ठीक है। फिर हम लोग वही लिखेंगे, नंबर ऑफ टीवीज सोल्ड इन सेकेंड ईयर। अब जो वैल्यू है, कितनी वैल्यू है, 32,764। अब सिमिलरली हम लोग लिख देंगे, नंबर ऑफ टीवीज सोल्ड इन थर्ड ईयर इज इक्वल टू 28,140, और फिर हैंस या थर्स भी लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ टीवीज सोल्ड, है ना, इक्वल्स टू, अब फिर इन तीनों नंबर्स को आप प्लस कर लेंगे, यहां पे आप खुद कर लेंगे, ओके। अब एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, है ना, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, एक नगर की जनसंख्या, पॉपुलेशन मतलब वहाँ पे जितने लोग रह रहे हैं सबका मिलाकर कितने हैं वहाँ पे लोग, तो वो थे 2,47,341। लेकिन कब थे ये, तो 2 years ago, मतलब 2 साल पहले इतना थे, यानी आज उनकी पॉपुलेशन जरूर कुछ बड़ी होगी, 2 साल पहले, मतलब इन 2 सालों में बहुत सारे बच्चे जन्म लिए होंगे ना, तो पॉपुलेशन बड़ी होगी 2 साल में। तो आगे बढ़ते हैं, इट हैज़ इंक्रीज्ड बाई 42,617 सिंस देन। देख रहे हैं आप, 42,617 इंक्रीज हो गया, मतलब इतने नए लोग जन्म ले लिए हैं उस गांव में 2 सालों में। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ दिस टाउन नाउ, हमें बताना है कि अब इस
टाउन की पॉपुलेशन कितनी है, तो ऑब्वियसली आपको सम देखने से ही लग रहा हो कि हमें प्लस कर देना है, तो इसको भी आप लोग खुद करें। तो दो क्वेश्चन मैंने बनाया, अब दो क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। समझाया मैंने, लिखेंगे क्या थोड़ा सा समझ लीजिए। पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन 2 years अगो इज इक्वल टू, फिर लिखेंगे पॉपुलेशन इंक्रीज्ड इज इक्वल टू, थस नाउ द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज इक्वल टू, फिर उसके बाद दोनों नंबर्स को प्लस कर देंगे। ओके, तो आप इसे खुद बनाएं। तो इस तरह से हम लोग अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लिए हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पे, दोनों वीडियो को मिलाकर, दोनों पार्ट को मिलाकर। अब हम लोग थोड़ा एडिशन के कुछ प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे, है ना। हमने ऐड करना सीख लिया है, बट उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ये प्रॉपर्टीज़ हमें क्विकली नंबर्स को ऐड करने में बहुत हेल्प करते हैं, राइट। तो शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज़। तो पहला प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसको पहले एग्जांपल समझते हैं, फिर हम लोग प्रॉपर्टी लिखेंगे, ठीक है। एक नंबर थोड़ा बिगर, अभी हम लोग 5 digit और 6 digit नंबर की बात कर रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा 5 digit और 6 digit नंबर का ही एग्जांपल लेंगे। जैसे ठीक है, ये दोनों 5 digit नंबर है, अब हमें इन्हें प्लस करना है, तो आप क्या करेंगे, 35217 पहले आप लिखेंगे, फिर प्लस 41923, ऐसे ही हम लोग प्लस करते हैं और आप इसको प्लस कर देंगे। लेकिन आपका फ्रेंड क्या करता है, पहले बाद वाले नंबर को लिखता है, ठीक है, फिर उसके बाद पहले वाले नंबर को लिखता है, और वो भी प्लस करता है इसे करके। अब आप जब अपने फ्रेंड को देखते हैं तो आपको लगता है आपका फ्रेंड गलत कर रहा है। क्यों गलत कर रहा है, क्योंकि पहले तो ये नंबर है तो इसको लिखना चाहिए था, ऐसा आपको लगता है, लेकिन आप अभी उसको बता नहीं रहे। आप क्या करते हैं, आप अपना अलग प्लस करते हैं, वो अपना अलग प्लस करता है, तो अब हम इसको प्लस करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये हो गया 77140, ठीक है ना। ये आपने प्लस किया, आपको मालूम है कैसे आपने प्लस किया। अभी आपका फ्रेंड प्लस कर रहा है, ठीक है। अब आप कंपेयर कर रहे हैं, आपको लग रहा था आपके फ्रेंड ने गलत कर रहा है, क्योंकि पहले हमें ये नंबर लिखना था, बाद में ये लिखना था, मगर फिर भी आंसर आप देख रहे हैं सेम है, तो ऐसा कैसे हो गया। तो हो सकता है आप सरप्राइज हो जाएं कि ऐसा कैसे हो गया, है ना। तो ये चीज़ आपको अब याद रखना है, क्योंकि अभी आपको बताया नहीं गया था, तो हो सकता है आप सरप्राइज हो जाएं। तो अब मैं आपको वही बात बता रहा हूं कि हम लोग जब किसी भी दो नंबर को प्लस करते हैं, है ना, किसी भी दो नंबर को जब प्लस करते हैं, तो उसको हम लोग अगर ऑर्डर चेंज कर दें तो हमारे उसका जो सम है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सम हमेशा वही आता है जो होना चाहिए, ठीक है। मतलब हम लोग चाहें तो ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, कहने का मतलब यही है। तो अब इसी चीज़ को आपको जनरल फॉर्म आपको याद रखना है कि इफ़ ऑर्डर ऑफ द एडेंड्स, अब एडेंड्स आप जानते हैं क्या होता है, आर चेंज्ड द रिजल्ट डज नॉट चेंज, या इसको हम लोग सम भी लिख सकते हैं, SUM, सम डज नॉट चेंज, क्या है ये, क्या हमने लिखा है कि अगर एडेंड्स, एडेंड्स मतलब जैसे यहाँ पे हमारा ये क्या है, एक एडेंड है और ये भी एक एडेंड है, दोनों एडेंड्स हैं। हमने बताया था आपको पहले कि जब हम लोग दो नंबर्स या उससे ज़्यादा नंबर्स जोड़ते हैं, तो जिन जिन नंबर्स को हम जोड़ रहे होते हैं वो एडेंड्स कहलाते हैं। तो ये दोनों एडेंड्स हैं और इनको जब हम प्लस करेंगे किसी भी ऑर्डर में, तो रिजल्ट जो होता है डज नॉट चेंज, मतलब बदलता नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा, जो होना चाहिए वही रहेगा। ऑलराइट, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग अगर जनरल फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इज इक्वल टू सेकंड नंबर
प्लस फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर और अच्छे से इस बात को अगर लिखा जाए तो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं, अगर फर्स्ट नंबर हम मान लेते हैं ए है, ए इज आवर फर्स्ट नंबर, ठीक है ना, आवर फर्स्ट नंबर इज, हम लोग मान लेते हैं ए, ए इज आवर फर्स्ट नंबर, ये हम लोग मान लेते हैं। और सेकेंड नंबर को हम लोग मान लेते हैं बी, तो ए में अगर हम लोग बी प्लस करें या सेकेंड नंबर हमारा बी है बी में ए प्लस करें, दोनों ही सिचुएशन में हमारा जो रिजल्ट होगा क्या होगा, देखिए आप, ये इक्वल्स का साइन है, इक्वल ही होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये बात आपको हमेशा याद रखना, ठीक है ना, ये एडिशन का फर्स्ट प्रॉपर्टी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब हम लोग दूसरे प्रॉपर्टी को समझते हैं। तो ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारा, ये जब हमारे पास तीन या उससे ज्यादा नंबर हैं उनके लिए, ठीक है। अब उसको भी एग्जांपल समझते हैं। तो यहां भी हम लोग थोड़ा एक लार्जर नंबर लेते हैं, ठीक है, ये हमने तीन नंबर्स को लिया। अब फिर आप ऐड कर रहे हैं और आपका फ्रेंड ऐड कर रहा है, ठीक है, तो कैसे, आपने क्या किया कि पहले आप सेम ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना, जिस ऑर्डर में है उसी नंबर में आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है, 31547 आपने लिया, फिर 12105 और आपने ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड करना आप जानते हैं, आपने ऐड किया, आपको इन दोनों को ऐड करने पर ये नंबर मिला। अब आपने क्या किया कि ये नंबर जो मिला है उसमें आपने जो लास्ट नंबर है उसको आपने ऐड कर दिया। ऐसे ही ऐड करते हैं हम लोग, यहाँ हम लोग एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है, बट अभी आप क्या कर रहे हैं, वन बाई वन कर रहे हैं। तो आपको क्या आंसर मिलता है, ठीक है, आपको ये मिला फाइनल आंसर। लेकिन आपका जो फ्रेंड है थोड़ा अलग तरह से करता है, वो क्या करता है कि पहले ये सेकंड और थर्ड नंबर को वो प्लस करता है, आपका फ्रेंड 12105 + 21549। अब आपने जब देखा तो आपको थोड़ा डाउट हुआ, क्योंकि आप तो ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, आपने वैसे ही सीखा था, मगर आपका फ्रेंड मे बी वो नहीं समझा हो, तो या उसे ऐसा लग रहा हो कि नहीं हम लोग पहले ही से करके देखते हैं, या मे बी वो ट्राई कर रहा हो आपका फ्रेंड, तो देखिए क्या आता है। ठीक है, अब ये वो आपका फ्रेंड क्या करता है कि जो नंबर उसने शुरू में छोड़ दिया था अब उसको वो ऐड कर लेता है, ठीक है। अब आपने देखा कि अभी भी जो आपके फ्रेंड का आंसर है आपके आंसर के ही इक्वल आ रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं 65,201 उधर भी 65,201। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही है कि जब आप दो, नॉट दो, दो तो नहीं बोलेंगे क्योंकि दो वाला हम लोग पहले सीख चुके हैं, तीन नंबर है या इससे भी ज़्यादा अगर नंबर होता तो हम लोग दोनों के लिए, या मतलब दोनों के लिए ये प्रॉपर्टी चलेगा। तो जब हमारे पास मिनिमम तीन नंबर हो या उससे भी ज़्यादा हो तो हम क्या करते हैं कि किसी भी दो नंबर को पहले ऐड कर लें। जैसे हमने क्या किया पहले, आपने क्या किया कि पहले फर्स्ट और सेकंड नंबर को ऐड किया फिर उसमें थर्ड नंबर को ऐड किया, लेकिन आपके फ्रेंड ने क्या किया कि पहले सेकंड और थर्ड नंबर को ऐड किया फिर फर्स्ट नंबर को ऐड किया, मतलब उनने पहले इसको ऐड किया और तब इसको, और आपने पहले इधर और फिर इधर, लेकिन दोनों ही कंडीशन में आंसर क्या आया आपको, सेम आया। तो इसको अगर हम लोग लिखें जनरल फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर
प्लस थर्ड नंबर, तीन नंबर है इज इक्वल टू, अभी भी हम लोग के पास सेम ही रहेगा, बस हम लोग केवल शॉर्ट में लिख देते हैं, अब देखिए लिखा तो हमने सेम ऑर्डर में, आप कह रहे होंगे सेम ऑर्डर में ही लिख दिया, लेकिन अब हम लोग घेर दे रहे हैं इसको, ठीक है, यही चीज हमको मेनली समझना है कि क्या कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले ये वाला नंबर को और ये वाले नंबर को ऐड कर रहे हैं, फिर थर्ड नंबर को ऐड करेंगे, है ना, ये मार्किंग से आपको समझ गए कि पहले फर्स्ट और सेकेंड नंबर को ऐड किया गया है, लेकिन आपके फ्रेंड ने क्या किया था, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर को पहले ऐड किया था फिर फर्स्ट नंबर को ऐड किया था, तो दोनों ही सिचुएशन रिजल्ट आपका सेम आया था। इसी को अगर हम लोग और थोड़ा सिंपल में लिखे तो क्या लिखेंगे, ए ले लेते हैं फर्स्ट नंबर, बी ले लेते हैं सेकेंड नंबर और सी ले लेते हैं थर्ड नंबर, है ना। तो अगर अब ए में हम लोग प्लस बी करें और फिर सी को प्लस करें, या फिर बी में सी को प्लस करके फिर ए को प्लस करें, दोनों ही सिचुएशन में हमारा जो सम आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड प्रॉपर्टी, इसको अगर हम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, थ्री और मोर नंबर्स आर टू बी एडेड देन वी कैन एड एनी टू ऑफ देम फर्स्ट एंड देन रिमेनिंग नंबर्स लेटर। अब इसको समझ लेते हैं मैंने क्या लिखा, इतना सारा लिख दिया मैंने, क्या लिखा इसको एक बार समझ लेते हैं। मैंने लिखा कि अगर हम लोग तीन या उससे ज्यादा नंबर्स को जोड़ रहे हैं, है ना, या तीन या उससे ज्यादा नंबर्स को जोड़ना है तो हम लोग क्या करेंगे, वी कैन एड एनी टू ऑफ देम, उनमें से किसी भी दो को पहले, किसी भी दो को, जैसे यहाँ पे हमने या तो इस दोनों को पहले ऐड किया या फिर इन दोनों को, किसी भी दो को नंबर को पहले हम ऐड कर देंगे फर्स्ट एंड देन रिमेनिंग नंबर्स लेटर, और उसके बाद जो नंबर बच गया, मतलब यहाँ तो इस कंडीशन में एक ही नंबर बच रहा है, फिर उसको हम लोग ऐड कर रहे हैं, है ना। अब अगर चार नंबर हैं तो फिर उन दोनों नंबर को भी हम लोग बाद में ऐड कर सकते हैं, तो हमारा कोई, तो इससे कोई रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यही बात आपको ध्यान रखना है। तो ये बेसिकली दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं एडिशन के, इसको आपको हमेशा याद रखना है, जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे तब तक आपको याद रखना है, बस इतना ही समझ लीजिए। एक और छोटा सा प्रॉपर्टी, बहुत ही छोटा, तो इसको हम लोग क्विकली समझ लेंगे, अब वो प्रॉपर्टी क्या है, सम विथ जीरो, ठीक है ना। तो इसको भी पहले एग्जाम्पल से एक समझ लेते हैं फिर बात करते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है आपका 1, 2, 1, 5, 4, 6, अब इस नंबर में हम जीरो प्लस कर रहे हैं, ठीक है, जीरो प्लस कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, अब आपको जन मतलब एक्चुअली में प्लस करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली जो आपका नंबर है वही आप लिख देंगे, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जब हम लोग जीरो प्लस करते हैं, आप नॉर्मली जब हम लोग एडिशन भी करते हैं तो आप देखते हैं कि जब जीरो को ऐड किया जाता है तो सम में कोई डिफरेंस नहीं आता, तो ये चीज हम लोग कर ही रहे हैं, बहुत सिंपल सा है। अब इसी को अगर हम लोग जनरल फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, एनी नंबर प्लस जीरो इज इक्वल टू ए, कोई भी नंबर है उसमें जीरो ऐड करेंगे तो वही नंबर हो जाएगा। तो इस चीज को हम लिख देते हैं, आप याद कर लीजिएगा, इफ जीरो इज एडेड टू एनी नंबर the sum is the
नंबर इटसेल्फ। ठीक है, अगर किसी भी नंबर में हम जीरो ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, वो नंबर खुद ही आ जाएगा जिस नंबर को हम ऐड कर रहे थे। जैसे इस नंबर में जब जीरो हम ऐड कर रहे हैं तो यही नंबर हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, अब इस पे हम लोग कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं इस पे, राइट। जैसे सपोज कीजिए 254170 प्लस डैश इज इक्वल टू 12451 प्लस 254170 14971 प्लस 25192 प्लस 14371 इज इक्वल टू डैश प्लस 25192 प्लस 14371। इसको ऐसे यहाँ पे हम लोग घेर रहे हैं और ये यहाँ पे घेर दिया गया है। प्लस जीरो, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो खाली जगह है उसको भर देना है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप देखिए, ये एक नंबर है हमारा और एक नंबर जो है हमें मालूम नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए ये सेम नंबर यहां भी है, ये जो नंबर है यही यहां भी है हमारे पास सेम नंबर, बस ये नंबर जो है वो मिसिंग, मतलब जो मिसिंग है उसी नंबर को यहां पे लिख देना है। तो कहने का मतलब कि हम जब दो नंबर को ऐड कर रहे हैं तो वो अगर किसी दूसरे नंबर को ऐड कर रहे हैं तो उसमें एक नंबर अगर सेम है तो दूसरा नंबर उसी में का कोई एक होगा, अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये नंबर जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे नहीं है, उसी को हम लोग को लिखना पड़ेगा। सेम सिचुएशन यहाँ भी आप देखिए, जो नंबर नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे कौन सा नंबर नहीं है, तो ये वाला नंबर नहीं है, 14971 नहीं है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ये बेसिकली सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमारा था, जब थ्री नंबर्स को हम लोग ऐड कर रहे थे तो किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे वही वाला प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। अब ये थर्ड नंबर एडिशन विद जीरो के बेस पर है, जब हम जीरो ऐड करेंगे किसी नंबर में तो हमारा आंसर जो होगा वो नंबर इटसेल्फ होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये, और भी आपके बुक में होंगे कुछ क्वेश्चंस, आप उनको कर लें। अब एक छोटा सा टॉपिक हमारा और रह रहा है, उसको समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ाई कर चुके हैं पिछले वीडियोज में, तो इसको बस आप क्विकली समझ जाएंगे बहुत बहुत आसानी से। क्वेश्चन सपोज कीजिए हमारा एस्टिमेट सम टू नियरेस्ट 10,000। ठीक है, मेन हमें क्या समझना है कि हमें किसके नियरेस्ट में उसको एस्टिमेट करना है, यही बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो ये 10,000 लिखा हुआ है, मतलब 10,000 के नियरेस्ट में एस्टिमेट करना। सब में प्रोसेस सेम रहेगा, केवल प्लेस चेंज होगा, समझिए। ये दो नंबर्स को हमें एस्टिमेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों नंबर को सेपरेटली राउंड ऑफ करेंगे टू नियरेस्ट 10,000। लिखते हैं इस नंबर को, मतलब जब जो लिख रहे जो कर रहे हैं उसको एक बार लिख भी लेना है ना, हम लोग राउंड ऑफ कर रहे हैं टू नियरेस्ट 10,000, तो इसको हम लोग लिख लिए। अब देखिए 10,000 प्लेस पे यहाँ पे कौन सा डिजिट है, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, ये फाइव है। ठीक है ना, फाइव है,
और 5 का राइट वाला डिजिट क्या है, 4 है। हम लोग पढ़े हैं कि अगर राइट वाला डिजिट 5 से कम होता है तो हम लोग सिंपली इसमें नहीं जोड़ते, जो हमारा जिसको राउंड ऑफ कर रहे हैं उस डिजिट को नहीं जोड़ेंगे, उसमें कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, तो 5 का 5 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद के सभी डिजिट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो 4 डिजिट है तो 40, और इसके पहले वाला डिजिट जो है वही रहेगा, क्लियर। अब सिमिलरली हमको इसके साथ करना है, 1, 3, 4, 2, 6, 1 राउंड्स टू नियरेस्ट 10,000 क्या मिलेगा हमें। तो अब यहाँ भी देखिए, जो 10,000 प्लेस पे है 3 और राइट साइड यहाँ भी 4 ही है, तो 4 है यानी 5 से कम है, तो यहाँ भी हम लोग जोड़ेंगे नहीं, 3 का 3 ही रहेगा और बाकी डिजिट्स हो जाएंगे 0, और जो पहले वाला डिजिट है वो वैसे ही रहेगा। अब हम लोग राउंड ऑफ कर लिए, तब हम लोग को सम निकालना है, थस एस्टिमेटेड सम अब इन दोनों नंबर्स को जोड़ लीजिए। अब थोड़ा हमारा सम क्या हो गया, ईजी हो गया, पहले हम लोग राउंड ऑफ करके तब प्लस करेंगे तो थोड़ा ईजी हो जाएगा। कई बार आप क्या करते हैं, पहले प्लस करते हैं फिर राउंड ऑफ करते हैं, तो उसमें थोड़ा एडिशन डिफिकल्ट होता है, और कुछ नहीं। देखिए क्विकली हमने ऐड कर दिया, तो दिस इज आवर आंसर। तो बेसिकली इसी तरह से आपको बनाना है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अब हम लोग क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट पार्ट हमारा बनेगा उसमें हम लोग इसके बेस पे जो अभी हमने सीखा है कुछ वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, और साथ ही साथ कुछ और जो फर्दर हमारा टॉपिक होगा उस पर भी डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो मिलते हैं अगले पार्ट में, है ना। आई होप आपको जो भी बताया गया समझ में आया है, राइट। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।